आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। देवघर पुलिस की मुस्तैदी से 12 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी संभव हो गई है। देवघर के एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा ने साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए दो टीमों का गठन किया, जिसमें पहली टीम ने मार्गो मुंडा और देवीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी टीम ने खाका थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें 6 अन्य साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। देवघर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से कुल 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह सभी साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी कराने के नाम पर ठगी करते थे। इसके अलावा गूगल पे और अन्य डिजिटल माध्यम के जरिए पैसे ट्रांसफर किया करते थे। देवघर पुलिस ने गिरफ्तार किए 12 साइबर अपराधियों के पास से 22 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड, 9 पासबुक, 8 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 1 लैपटॉप, 2 मोटरसाइकिल और 1 चार पहिया वाहन बरामद किया गया। देवघर एसपी ने कहा है कि यह अभियान लगातार 2 महीने से चलाया जा रहा है और बहुत ही जल्द देवघर को साइबर अपराध से मुक्त कर दिया जाएगा। देवघर से इम्तियाज अंसारी के साथ पप्पू यादव की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में छापामारी की जा रही है। इसी छापामारी के क्रम में बीती रात्रि देर रात तक 2 टीमों के द्वारा छापामारी की गई। एक टीम का नेतृत्व मंगल सिंह जामुदा डीएसपी हेडक्वार्टर कर रहे थे, दूसरे टीम का नेतृत्व एसडीपीओ सारक अमोद नारायण सिंह और एएसपी प्रोबेशनर कपिल चौधरी कर रहे थे। दोनों टीमों के द्वारा छापामारी मार्गो मुंडा, देवीपुर और खागा थाना क्षेत्र में किया गया और कुल 12 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 22 मोबाइल, 32 सिम, 8 एटीएम, 1 पासबुक, चेकबुक 2, लैपटॉप 1, 1 बोलरो, 1 बुलेट और 1 स्कूटी बरामद किया गया है। कोई आपराधिक इतिहास इन लोगों का या आपस में कोई रिश्तेदार? आपराधिक इतिहास इन लोगों का खंगाला जा रहा है। पवन और उदय दोनों भाई हैं जो देवीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बोलेरो और बुलेट रमेश मंडल जो साइबर क्रिमिनल है उनके यहां से बरामद हुआ है।